हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग लाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न लाई हूँ, देखिए मैं आपके लिए, जिसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं 4 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 4 के मल्टीपल फंदे और 2 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। और देखिए, ये हमारे वर्क की राइट साइड है, सीधी तरफ है, और हमने उल्टी तरफ से पहली सिलाई शुरू करनी है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल वूल है और 10 नंबर की सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स। तो देखिए, फर्स्ट रो उल्टी तरफ से पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और क्योंकि रॉन्ग साइड है हमने सारे फंदों को उल्टा बुनना है, लेकिन ऐसे दो बार धागा लपेट कर उल्टा बुनेंगे। 1 2, तो हमने पूरी सिलाई जो है इस तरह से उल्टी बुननी है, लेकिन दो बार धागा लपेटते हुए। पर्ल ऑल द स्टिचेस विथ यार्न अराउंड द नीडल ट्वाइस, जस्ट लाइक दिस। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा लास्ट फंदा होगा एच स्टिच, उसे हमने नॉर्मल सीधा बुनना है, उसमें हम धागा नहीं लपेटेंगे। देखिए ऐसे, इसे हमने एक बार धागा लपेट कर ही उल्टा बुन लेना। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है, पहली सिलाई। अब देखिए, दूसरी सिलाई सीधी तरफ से, सेकंड रो राइट साइड, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये जो फंदे हैं इनको हमने 4 फंदों को इस तरह से उतार लेना है। 1 2 3 4, अनट्विस्ट कर दिए 4 फंदों को। अब ये जो देखिए बैक साइड से, इस तरह से हमने ये 3 फंदे जो हैं इनको इस एक फंदे के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। जो एक फंदा है ये इन 3 के बीच से इस तरफ को आ गया है, राइट साइड को। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने बैक लूप से, पहले एक फंदा जैसे हमने बुन लिया बैक लूप से, अब फर्स्ट और सेकंड को बैक लूप से बुनेंगे, पहले और दूसरे को, और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को बैक लूप से ऐसे। तो ये हमने 4 फंदों के फिर से 4 फंदे बना लिए। यही देखिए हम फिर से रिपीट करेंगे। 4 फंदों को पहले इस तरह से अनट्विस्ट करेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। अब इन 3 फंदों को पीछे से इस तरह से नीडल से ऐसे आगे ले आएंगे। जो ये चौथा फंदा है ये इनके बीच में से निकलेगा। अब पहले हम एक फंदा जो है सीधा बुनेंगे बैक लूप से, फिर 2 को एक साथ बुनेंगे सीधा, और फिर 3 को एक साथ बुनेंगे ऐसे सीधा। ये फिर से हमने 4 फंदे बना लिए। यही 4 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। देखिए, फिर से इन 3 फंदों के बीच में से इसको, चौथे फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे, और फिर से इस पहले फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, फिर इन 2 को बैक लूप से बुनेंगे, और फिर इन 3 को बैक लूप से बुनेंगे ऐसे। तो ये हम पूरी रो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एच स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली है। अब देखिए रो 3, तीसरी सिलाई। वैसे ये 2 रोज का ही पैटर्न है, 2 ही सिलाई का पैटर्न है। देखिए, तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम 2 फंदे पहले नॉर्मल उल्टे बुनेंगे। इसमें हमने धागा दो बार नहीं लपेटना है। देखिए ऐसे नॉर्मल उल्टे बुने 2 फंदे एक स्लिप करने के बाद। अब बाकी हमने लास्ट के 3 फंदों तक, यहाँ तक, इन सारे फंदों को दो बार धागा लपेटते हुए बुनना है। देखिए 1 2, तो हमने पूरी रो ऐसे ही बुन लेनी है। 3 लास्ट जो फंदे हैं 3 वहां तक। पूरी सिलाई हम जैसे रो 1 बुनी थी वैसे ही बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने चेंज करना है। वो यही है कि हमने शुरू के 3 फंदे और लास्ट के 3 फंदे नॉर्मल बुनने हैं। देखिए अब फिर ये फंदे जो है 2, इनको नॉर्मल उल्टा बुनेंगे और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फोर्थ रो, चौथी सिलाई, इसे हमने रो 2 की तरह ही बुनना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम पहले 2 फंदे तो सीधे बुन लेंगे ऐसे,
उसके बाद हमने वही करना है जो रो वन में किया था, चार फंदों को उतारेंगे, तीन को इस तरह से निकाल कर आगे लाएंगे इस, और पहले एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर दो को बुनेंगे बैक लूप से, फिर तीन को बुनेंगे बैक लूप से, ऐसे। तो जैसे हमने रो टू में किया था, बीच की पूरी हमने रो इसी तरह से बुननी है। एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे एक साथ सीधे, फिर तीन फंदे एक साथ सीधे, और फिर इन तीनों को एक साथ इस तरह से उतार लेंगे। लास्ट में हमारे तीन फंदे जो रहे हैं इनको हमने नॉर्मल सीधा बुन लेना है, दो ये वाले और एक एज वाला। तो यही फोर रोज, चार सिलाइयाँ, देखिए फिर से एक बार हम रो वन से स्टार्ट करेंगे। अब जो फिफ्थ रो है वो हमने बिल्कुल रो वन की तरह बुननी है। तो फिर से हम ये ऐसे दो बार धागा लपेटते हुए इसे बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही फोर रोज को हम जो है जब बार बार रिपीट करते जाएंगे, ये देखिएगा ये हमारा इस तरह से बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए थोड़ा ये डेजी स्टिच की तरह दिखता है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स, क्रॉस में आएगा और देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखता है। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जो है वो बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसमें देखने में तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वूल लगती होगी, लेकिन नॉर्मल वूल लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है क्योंकि लूप्स जो है वो थोड़े हमारे लंबे बने हैं। तो आप फ्रेंड्स इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लुक देगा। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।